Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from CodeLove, and in this video I'm going to share the solution of this insert greatest common divisor of the linked list. Recently this question is successfully accepted by during the contest, and you can see that this is my first linked list question which is accepted during the contest, okay, on LeetCode platform. So for me this is the heartbeating questions for me, okay. In this video, I'm going to share the solution. If you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself, because this one is easy one. If you know how to insert an element in the linked list, then you can easily do this. Okay. The question, what question actually want to say? Let's see question first. This is my accepted solution. I will discuss at the end. Okay. So इस question में कहना क्या चाहता है कि insert the greatest common divisor. यानी कि आपके पास एक linked list का head given रहेगा. ठीक है. You are given the head. और आपको इन दोनों का GCD निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और उसका निकालने के बाद इसके बीच में इंसर्ट कर देना है. सिंपल, बहुत ही सिंपल और इजी वन है ये क्वेश्चन. एक बार हम कोड करते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा. सबसे पहला क्या है मेरे पास, अगर इफ मैं सबसे पहले क्या कंडीशन ले रहा हूँ, इफ हेड की वैल्यू अगर इक्वल टू नल देते हो, अगर हेड का नेक्स्ट भी नल है, हेड तो नेक्स्ट नहीं होगा, हेड का नेक्स्ट भी अगर नल है, ठीक है, तो आपको रिटर्न कर देना है हेड को. रिटर्न किया मैंने हेड को, ठीक है. अदरवाइज यहाँ से कहानी शुरू होती है. क्या आपको सबसे पहले एक लिस्ट नोड बनाना है. लिस्ट नोड है टेम्प नाम से, लिस्ट नोड टेम्प विच इज इक्वल टू हेड, क्योंकि मैं सारी कहानी इसके साथ खेलने वाला हूँ, इसलिए पहले मैंने ये बना लिया. अब वाइल लूप चला रहा हूं मैं, क्या जब तक मेरा टेम्प का नेक्स्ट रहेगा तब तक ये कहानी चलेगी, ठीक है. बहुत सिंपल और इजी वन, ये लूप चलता रहेगा. अब क्या है, मुझे सबसे पहले दो एलिमेंट चाहिएगा जिसकी जीसीडी पर निकाल सकूं. मैंने इंट ए लिया जिसके अंदर टेम्प का जो वैल्यू है, टीएमपी टेम्प का वैल्यू है वो ले लूंगा मैं, ठीक है. फिर एक बी लूंगा मैं, एक वेरिएबल जो टेम्प के नेक्स्ट का वैल्यू ले लेगा, ठीक है. अब मेरे को जीसीडी चाहिए, तो एक सी वेरिएबल बना रहा हूं मैं जिसके अंदर GCD लिखूंगा मैं. अब देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन है जो C++ के STL में आता है, ठीक है. तो इसके अंदर क्या A, B, अब मैं ऐसा करूंगा तो GCD मुझको C के अंदर मिल जाएगा. इसके बाद आपको सिंपल सा इंसर्शन करना है एट एंड, जैसे आप इंसर्शन करते हो एंड में वैसे. तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लिस्ट नोड बनाना होता है. लिस्ट नोड मैंने न्यू नोड नाम से बनाया, न्यू नोड, और उसके अंदर न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू और नोड, और इसके अंदर मैंने सी वैल्यू डाल दिया. अब क्या है, जो कैसे इंसर्ट कैसे करते हैं, जब आपका न्यू नोड होता है उसका जो नेक्स्ट है वो कर दो टेम्प के नेक्स्ट के बराबर. ये आपको इंसर्शन जो बेसिक प्रॉब्लम करते हैं तो उसके नेक्स्ट इंसर्शन में आता है. फिर जो टेम्प का नेक्स्ट वो कर दो क्या न्यू नोड. यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है इंसर्शन वाली. लेकिन अब आपको जंप करना है, तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी टेम्प का नेक्स्ट, तो अपना जो नया नोड है उस पर आ जाएगा. तो इसलिए नेक्स्ट का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दो, सिंपल. और बाहर आने के बाद रिटर्न कर दो हेड को. रिटर्न किया मैंने हेड को. दिस इज अ सिंपल एंड इजी कोड. मैंने इसी कोड को सबमिट किया है. लेट्स सी माय सॉल्यूशन ऑन द सबमिशन. दिस देखो, दिस इज द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन. सबसे पहले मैंने क्या हेड बना लिया, हेड के अंदर मतलब हेड बनाया नहीं, हेड बनाया उसके अंदर नेक्स्ट अगर नल है तो हेड रिटर्न कर दो. अदरवाइज एक लूप चलेगा, यहाँ पे दो वैल्यू जीसीडी निकालना है, फिर टेम्प के नेक्स्ट को जो न्यू नोड का नेक्स्ट हो टेम्प के नेक्स्ट को जुड़ जाएगा, और टेम्प का नेक्स्ट हो न्यू नोड के साथ जुड़ जाएगा, और एक सिंपल जो टेम्प है उसको दो कदम आगे बढ़ाना है, सिंपल, और रिटर्न कर दो हेड. दिस इज द सिंपल एंड इजी कोड, एंड दिस इज माई फर्स्ट मीडियम सोल्यूशन ऑफ लिंक लिस्ट दैट इज एक्सेप्टेड ऑन द लाइव कॉन्टेस्ट. सो आई होप सो यू हैव लर्न समथिंग न्यू. इफ इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. दिस इज द इजी वन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मीडियम का नहीं था ये लेवल, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. दिस इज संजीव.